देखिए अभिषेक जी वही बात उठा रहे हैं जो हम लोगों ने चर्चा किया अमित शाह जी को लेकर के, और कह रहे हैं कि कश्मीर एंड बंगाल बहुत जगह पे ये फेल हुए हैं। अब देखिए जब बंगाल ऐसा निर्णय देता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसे ठुकाई बंगाल में जबरदस्त हुई अंतिम समय में, लेकिन परिणाम भी आपको बंगालियों का देखना पड़ेगा कि सिर्फ जिहादियों ने नहीं ममता बनर्जी को चुना है। तो जब प्रचंड बहुमत की सरकार चुनती है कोई कोई जनता, तो फिर आप उस पर बहुत कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। सतीश जी यदि अपनी कोई राय रखें। बंगाल पे एक अलग विषय हो जाएगा, एक अलग एपिसोड चाहिए होगा। बंगाल की हिस्ट्री बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र है। और जरा इतिहास उठा के देखिए आना, और इतिहास उठा के देखिएगा, बंगाल ने न तो विवेकानंद को मन से स्वीकारा और न सुभाष चंद्र बोस को स्वीकारा। उसकी बात ये कभी नहीं करते वामपंथी। अब बोली दू थोड़ा सा कड़वा बोल दू मनीष जी, कि उसकी बात ये वामपंथी कभी नहीं करते, लिबरल कभी नहीं करते, दिल्ली के खैराती कभी नहीं करते। उसका एकमात्र कारण था मनीष जी कि ना तो विवेकानंद ब्राह्मण थे और ना सुभाष चंद्र बोस ब्राह्मण थे, और वो जो भद्र बंगाली है, भद्र बंगाल है, भद्र लोग है बंगाल का, वो टोटल ब्राह्मण है, वो टोटल ब्राह्मण है। और इसीलिए बंगाल से जितने बड़े नेता है वामपंथियों के, सब ब्राह्मण, ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण, और जितना वहां पे भद्र लोग है वो सब ब्राह्मण है। और ये पिछले 100-150 साल का इतिहास है। ना तो जरा इतिहास पढ़िए निकाल के, बड़ा कड़ुआ सच है उसमें, कि ना तो इन्होंने मन से विवेकानंद को स्वीकारा, ना सुभाष चंद्र बोस को स्वीकारा। वो तो उनका इतना बड़ा कद हो गया था कि ये उनको नकार नहीं सकते थे, तो ये बड़े बेमन से उनको स्वीकारते हैं। तो ये जो भद्र लोग है तो बड़ा अजीब है, बड़ा अजीबो गरीब है और विचित्र है, और उसपे कब्जा है। मैं ब्राह्मण होकर बात कह रहा हूँ, ये जरा ध्यान रखिएगा। मैं पूर्वाग्रह से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो यही है। तो वो बंगाल में सुधार की बड़ी दूसरे तरह की जरूरत है। अब देखिए क्या इतिहास आता है। अमित शाह के लक्ष्य से सिर्फ बंगाल नहीं बदलेगा, बंगालियों को जो बहुत सच्चा कि बोले मां जो कहते हैं ना कि भोला मानुष को भी जो बार बार परिणाम देते हैं उस पर भी समझना पड़ेगा। और जिस बंगाल में, जिस बंगाल में जिन्ना का जो है, और उस भद्रलोक को नंगा किया है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जबकि वो भी ब्राह्मण है, लेकिन उनका उनकी जीवनी लिखी है विष्णु प्रभाकर ने, आवारा मसीहा के नाम से, अद्भुत पुस्तक है। मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी उनमें मैं टॉप 3 में रखता हूँ। उसमें उन्होंने इस भद्रलोक को नंगा किया है, और आज से समझिए, आज से 100-150 साल पहले भद्रलोक कितना बेईमान था। उन्होंने कहा कि वो मनीष जी उनकी शादी किस्सा अलग है, उन्होंने बड़ी गरीब घर की लड़की शादी कर ली थी, एक झटके में कर ली थी, घटनाक्रम था उसके तहत। उन्होंने की बेचारी बहुत गरीब परिवार से थी, और कहें उस समय भद्रलोक बड़ा मेरे ऊपर आंख नाक बहुत उतारता चढ़ाता था, मुझको स्वीकार नहीं करता था, लेकिन जब मेरी ख्याति बढ़ गई, जब मेरा बंगे संभवतः चौरंगी में उनकी अपना मकान बंगला कोठी समझ लिए हो गई, तो कहें वही भद्रलोक अपनी जवान जवान लड़कियों को लेकर मेरे घर आते थे कि इसको छोड़ो, इसके तो कोई माँ बाप मतलब नाम देवैया नहीं, गरीब घर का कोई लड़ने वाला नहीं है, इसको छोड़ दो और मेरी बेटी से शादी कर लो। तो ये उन्होंने बताया था, ये चरित्र था उस भद्रलोक का। तो बंगाल की बीमारी बड़ी पुरानी है और बड़ा गहरा कैंसर, अलग से समझना पड़ेगा एक दिन इस पे, अलग से शो करना। बस एक मैंने थोड़ी सी झलक दी आपको।